सागर शिरवाड़े, इनका सवाल ऐसा है कि दूषित नक्षत्रों पर कोई व्यक्ति जन्मी है और वो व्यक्ति बुरा बर्ताव करती है तो फिर ज्योतिष की बात पर विश्वास बैठना शुरू हो जाता है, इसके लिए क्या करें। भाई जब आप कोई एक व्यक्ति के आधार पर यह निर्णय लेते हो तो ये तो कोई विज्ञान नहीं हुआ। जैसा मैंने कह दिया एक स्त्री को कि तुमको लड़का होगा, उसको लड़का हो गया और मेरी बात 100% सच हो गई, जबकि मैं जानता भी नहीं हूं स्त्री को लड़का होगा कि लड़की होगी। ये तो टिक्कम टोला हो गया। इसलिए दूषित नक्षत्रों पर जो जो लोग जन्मे हैं उनके लिस्ट बनाओ, उनके बारे में जानकारी निकालो। जानकारी निकालने के बाद आपके ध्यान में आएगा कि यह बात सही नहीं है, इसके बारे में ऑलरेडी जांच हो चुकी है। किसी के भी स्वभाव उसके जन्म के आधार पर नहीं बनते हैं, वो संस्कारों से बन सकते हैं। पूरा का पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो सीरीज है आप सुनिए, स्वभाव कैसे बनते हैं उसमें बहुत विस्तार से आपके सामने बात रखी है। ये कोई आपके जन्म के समय में कौन से नक्षत्र में या फिर कौन से राशि में आप थे इसके आधार पर तय नहीं होता है। अगर ऐसा तय होता है तो आपके और मेरे जीवन में कुछ करने लायक बचता ही नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, या फिर मेरे जन्म के समय में जो राशि व्यवस्था होगी या फिर जो नक्षत्र होगे उसको नहीं बदल सकता हूँ मैं, तो इसका मतलब मैं तो वैसे ही रहने वाला हूँ। और मैंने तो अपने आप में आमूलाग्र बदल किया है, मेरे स्वभाव में पूरी तरह से बदल किया है। मैं और मेरे वर्कशॉप से गए हुए लाखों करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने इस ढंग का बदलाव महसूस किया है। हजारों लोग कहते हैं दावे के साथ में कि हमने अपने आप में बदलाव किया है, तो ये तो मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ। तो ये नक्षत्र के आधार पर किसी का स्वभाव वैसे बने या फिर वो गलत व्यवहार करने वाली व्यक्ति बने, इसको कोई भी आधार नहीं है। एक व्यक्ति के उदाहरण के आधार पर आप इस बात को मत मानिए। ये भी हो सकता है कि बचपन से उस व्यक्ति को अगर कहा गया कि तुम इस नक्षत्र पर जन्मी हो तो तुम तो ऐसे ही रहने वाली हो, तुम तो इसी ढंग से बर्ताव करने वाली हो, तो ये उसका चॉइस भी डिटरमाइन किया जा सकता है। या फिर उसको बार बार ये सजेशन देने के कारण वो उसी ढंग से बर्ताव करना शुरू करेगी। जैसा मैंने उदाहरण दिया था कि मैं इंजीनियर तो नहीं बना क्योंकि मैंने अपना चॉइस भोपाल में लाया और अपना स्वतंत्र निर्णय लिया, लेकिन मेरे भाई बहन तो डॉक्टर बने क्योंकि उनके पत्रिका में लिखा था डॉक्टर बनना है, वो उसी सजेशन के साथ में चलते गए। तो कुछ लोग अपने ऊपर इन सजेशन का बहुत परिणाम करवा लेते हैं। बचपन से जो बातें नक्षत्र के आधार पर उनके बारे में जो आसपास के लोग कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, उसका उनके मन पर परिणाम होता है और उसी ढंग से वो अपना बर्ताव आगे चलकर डेवलप कर सकते हैं। ये भी उसके पीछे का कारण हो सकता है। यानी मूलतः वो व्यक्ति वैसा न होने की गुंजाइश हो, लेकिन हमने केवल वो उस नक्षत्र में उस वातावरण में पैदा हुई इसलिए ऐसी ही बनेगी ऐसा कहकर उसको उस ढंग से बनाया हो, ये भी हो सकता है। इसलिए आपको ये जांच परख लेना चाहिए और ऐसी एकादे उदाहरण के आधार पर किसी बात पर विश्वास हमने नहीं रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें, तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोज़ का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।